एक चिकन फ्रेंकी, साथ ही साथ दिखाएंगे आप लोगों को चिकन टिक्का रोल कैसे मारना है, चिकन फ्रेंकी कैसे मारना है। तो सबसे पहले हम इस तरह एक पत्ता ले लेंगे, इस तरह इसको हाथों से बड़ा बना लेंगे। दोस्तों देख सकते हो कि हमारा फ्रेंकी रेडी है, पत्ता हमने लगा दिया है, तो हमारा पत्ता रेडी है। अब हम इसको डालेंगे तावा, ये आ गए तावा पे। साथ साथ डालेंगे अंडा डेढ़ पीस, डेढ़ अंडा डालेंगे। इस तरह हम अंडे को लगा देते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके थोड़ा ऑयल मारेंगे, इस तरह थोड़ा ऑयल मारेंगे। अब इसके पलटे मारेंगे, तो इस वजह से देख सकते हो हमारा जो पट्टा है, पट्टा बन के रेडी है। साथ ही साथ दोस्तों ये हमारा चिकन भुना रेडी है, जो हम चिकन फ्रेंकी में इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा चिकन फ्रेंकी के लिए चिकन रेडी है, साथ साथ ये हमारा चिकन टिक्का रेडी है, ये भी पका के रखा हुआ है तंदूर सरिया से। चाहे तो आप लोग घर पे इसको नॉन स्टिक पे भी पका सकते हो। ये चिकन टिक्का साथ साथ रेडी है, साथ साथ हमारा चिकन भुना रेडी है। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को दिखाते कि चिकन फ्रेंकी कैसे बनाया जाता है, चिकन टिक्का रोल कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों देख सकते हो कि कितना बढ़िया सा कलर रखा है चिकन फ्रेंकी के लिए। तो आप लोगों ने देखा थे क्या इसमें सॉसेस कैसे मारना है, क्या क्या मारना है। ये हमारा पट्टा बन के रेडी है दोस्तों। अब इसमें हम डालेंगे सॉस, और आप लोगों को देखा था इसका बाकी मटेरियल क्या डालना है, कितना डालना है और कैसे डालना है। तो दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और ऐसा ही फास्टफूड हो, मेन कोर्स हो, स्टार्टर हो, हर चीज़ सीखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसा ही रेसिपी आप लोगों तक मिलते जाए। तो चलिए दोस्तों रेडी है, साथ साथ ही हमारा पास रुमाली है, इसका हम बनाएंगे चिकन टिक्का रोल। ये फ्रेंकी के लिए रेडी है हमारा, साथ ही साथ चिकन टिक्का रोल के लिए भी रेडी है। अब आप लोग वो दिखाते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या डालना है। दोस्तों सबसे पहले एक चम्मच ग्रीन चटनी लगाना है इस पर, इस तरह साथ साथ एक चम्मच गार्लिक सॉस लगा देना है दोस्तों, इस तरह। दोस्तों इससे भी वही सेम प्रोसेस, इसको भी गार्लिक ग्रीन चटनी लगा देना है, साथ ही साथ दोस्तों इसमें गार्लिक सॉस भी ढेर सारा लगा देना है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें डालने वाला है सलाद। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को चिकन फ्रेंकी दिखा देते हैं कैसे चिकन फ्रेंकी का क्या क्या डालना है। ये हमने कचुम्बर डाल दिया है, आप साथ साथ दोस्तों डालेंगे चिकन जो हमने गरम करके रख दिया, बहुत बढ़िया सा कलर रखा है, देख सकते हो दोस्तों। साथ साथ हमने सारा चिकन को डाल दिया इसमें, बहुत सारा चिकन डाला दोस्तों, देख सकते हो पूरा, तभी इसमें मज़ा आएगा दोस्तों। चिकन कितना बढ़िया सा पका है दोस्तों, ये चिकन को हम जितना रोस्ट करेंगे दोस्तों उतना इस चीज़ का मज़ा आएगा दोस्तों। तो इसको क्या करना है दोस्तों, इस तरह एक बार फोल्ड कर देना है, और फिर इसको रोल कर लेना है, इस तरह इसका रोल कर देना है। दोस्तों ये देख सकते हो कि हमारा फ्रेंकी रेडी है,
इस तरह ये चिकन फेंकी गया हुआ है। आप देखा था आप लोगों को चिकन टिक्का रोल कैसे मारना है। सबसे पहले हम इसके भी डाल देंगे कचुम्बर, इस तरह जो सलाद है हमारा काटा हुआ ये सलाद हम इस तरह डाल देंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि हमारा चार पीस टिक्का डाला हुआ है, इस टिक्का को भी हम डाल देंगे इस तरह इसके ऊपर से। तो देख सकते हो दोस्तों कितना बढ़िया सा इसका जो लुक है, आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो टिक्का बनता है कितना डेलिकेट टिक्का बनता है। आज हम लगाएंगे बटर। देख सकते हो हमारा चिकन टिक्का रेडी है, चिकन टिक्का रोल के लिए। अब इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और इस तरह इसको आराम से रोल करेंगे, इस तरह इसको रोल कर देंगे दोस्तों। ये दोस्तों देख सकते हो कि हमारा जो रोल है रेडी है। अब हम इसको थोड़ा सा लगाएंगे इस तरह बटर, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ हम डाल देंगे तवा पे इसको रोस्ट होने के लिए थोड़ा, इस तरह दोस्तों इसको गर्म कर लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो कि हमारा जो चिकन टिक्का रोल है ये भी रेडी है। तो दोस्तों हमने दोनों रेसिपी आप लोगों को दिखा दिया, इसी तरह आप लोग बना लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।